तहसील चांद में संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जयंती के अवसर पर हुआ कार्यक्रम। पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वीकृति पत्रों का किया वितरण। एक समरस समाज की स्थापना में महान समाज सुधारक संत रविदास जी के विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। पंडित रमेश दुबे संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती के अवसर पर चांदी स्थित संत शिरोमणि मंदिर में आयोजित समारोह में क्षेत्रीय विधायक सुजीत चौधरी एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विधायक पंडित रमेश दुबे शामिल हुए। श्री दुबे जी ने संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में पूजन अर्चन कर उन्हें नमन किया। समाज के नागरिक बंधुओं द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को वर्चुअल रूप से सुना गया। पूर्व विधायक श्री दुबे जी ने उपस्थित जनों को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संत रविदास जी ने कहा है, मैं चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्य, छोटे बड़ों सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चल रही भाजपा सरकार भी संत रविदास जी के शब्दों की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए हमारे लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी कृतियों के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाने और सभी में एकता और समरसता का भाव जगाया। एक समरस समाज की स्थापना में महान समाज सुधारक संत रविदास जी के विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक श्री दुबे ने अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। कि समाज के लोगों के सहयोग के माध्यम से हम कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और आने वाले वर्षों के माध्यम से और व्यवस्थित कार्यक्रम को नियोजित करके हम कार्यक्रम को आयोजित करके एक समाज के दृष्टिकोण से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय भी लिया है और समाज का वह वर्ग समाज के अन्य संकट कैसे खड़ा हो सके, उन्होंने शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आपका हमारा अपना वर्ग है उनको भी छात्रवृत्ति के माध्यम से हम शिक्षा के व्यवस्था के दृष्टिकोण से, चाहे वो विदेश भी हम शिक्षा अध्ययन आपका हमारा अपना परिवार का जो मेधावी है लेकिन आर्थिक व्यवस्था न होने के कारण वो नहीं कर सकता तो शासन पूरा का पूरा वहन करेगा, ऐसा भी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। आवाज की दृष्टिकोण से भी निर्णय लिया है। एक बहुत बड़ा ऐसा निर्णय मध्य प्रदेश के समाज के इन वर्गों का, जो समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति का, जो हमारा अपना मिशन है अंत्योदय। जब तक अंत्योदय के उस मिशन के माध्यम से बंधुवार हम संपूर्ण यदि हम विकास की बात करते हैं तो समाज के इन वर्गों को हम कैसे जोड़ सके, यह निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। चौराई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।